he has failed the oath that he had taken, and that oath was to abide by the Constitution and the laws, and above all, because Chief Justice of India is the head of the judiciary, and people look upon the Supreme Court as a protector of their fundamental rights, human liberties. But in a way, he has failed the people of India also. ये वर्ड्स हैं फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस आर एस शर्मा के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के रीसेंट रिवेलेशन पर काफी आउटस्पोकन हो गई हैं। अब सोचिए, जब एक फॉर्मर जज ने ये कहा तो आम जनता का क्या रिएक्शन होगा। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ जो 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, उनके 2 साल के टेन्योर को लेकर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस पब्लिक में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग तो उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने व्यूज के जरिए लोगों को उनके टेन्योर के लूप होल्स के बारे में भी बता रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इसी के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने एक रीसेंट पब्लिक फंक्शन में महाराष्ट्र में अपनी ऑडियंस के सामने एक शॉकिंग रेवलेशन किया। उन्होंने कहा कि जब उनके पास राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस थी तो उन्होंने अपने आप को काफी मुसीबत में पाया था, और कहा, आई सैट बिफोर द डाइटी एंड टोल्ड हिम ही नीड्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन। बिलीव मी, इफ यू हैव फेथ, गॉड विल ऑलवेज फाइंड अ वे। ये स्टेटमेंट जो एक सिटिंग चीफ जस्टिस ने दिया, एक यूनिक और कॉन्ट्रोवर्शियल टर्न ले चुका है। एक तरफ कुछ लोग इसे एक पर्सनल फेथ का एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल भी उठा रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि क्या जुडिशरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अकॉर्डिंग एक्ट करती है, उसमें ये तरह की स्पिरिचुअल इंटरवेंशन सही है। जस्टिस शर्मा का कहना है कि वो पहली बार में तो इस स्टेटमेंट पर यकीन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, आई वॉज डम्बफाउंडेड। करण, द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन आई हर्ड दिस, आई डिडंट बिलीव माय इयर्स। आई थॉट आई शुड हियर इट वंस अगेन, सो आई हर्ड इट अगेन एंड देन अगेन। सो बाय द टाइम आई गॉट कन्विंस्ड दैट इट वाज ही, द चीफ जस्टिस ओनली, then it was all over. I feel it was a shocking statement. In fact, speaking for myself, I was dumbfounded. You see, Chief Justice of India is a man of great learning. He is full of wisdom, and coming from him was least expected. And up till now, we were told, and as judges, that we do not need any third party intervention while we write our judgments. Our only friend is the Constitution. Our only guide is the Constitution, and our only philosopher is the Constitution. And we cannot look beyond the Constitution when we deliver our judgment. But this is a new revelation. उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, पर अब ये रेवलेशन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर सकता है। जस्टिस शर्मा को लगता है कि ये बात स्पेशली डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, एज अ जज, आर ओनली फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो गॉड से जजमेंट लिखवाने का इशू है, उसने एक न्यू एंगल डाल दिया है इस केस में। लेकिन यहाँ पर एक और लेयर्ड इशू भी है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट इतना बड़ा इशू था कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। ये जजमेंट जब आया था तो कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हुए और कुछ लोगों ने इसे हिस्टोरिकल जजमेंट माना। पर अब जब चीफ जस्टिस ने खुद बोला कि डिसीजन में उनके गॉड का इंटरवेंशन था, तो क्या ये फेयर ट्रायल और अनबायस जजमेंट के प्रिंसिपल को हार्म करता है? इस पर जस्टिस शर्मा का व्यू पॉइंट हमें जोरों शोरों से सुनने को मिला, जब उन्होंने कहा, Well, it is very difficult to say that there is a conflict of interest. But as I said, and I will repeat it, that there is some third intervention in the judgment. And that is what is the Chief Justice is admitting, that it was a revelation that came to him. Now, as far as the conflict of interest part is concerned, you see, Deity does not speak. It is through the next friend that the Deity speaks. And if the Chief Justice had turned to the same Deity, then technically, yes, there is a conflict of interest. ये इसीलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में डाइटी भी एक पार्टी थी, थ्रू व्हाट्स कॉल्ड अ नेक्स्ट फ्रेंड। अब अगर चीफ जस्टिस ने डाइटी से ही हेल्प मांगी जजमेंट के लिए, तो ये यूनिक और डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, और उसका लॉजिक क्वेश्चनेबल हो जाता है। जस्टिस शर्मा काफी फ्रैंकली बोलती है कि अगर यही स्टेटमेंट एक मुस्लिम या क्रिश्चियन जज ने दिया होता, तो शायद रिस्पॉन्स और ज्यादा हार्श होता। उन्होंने कहा, सपोजिंग इट वॉज ए मुस्लिम चीफ जस्टिस,
and who had said the same thing as Justice Chandrachud has said, then I think the kind of atmosphere that we are living in, everybody would have been up in arms against that Chief Justice and maligned him. But since he is from a different religion, then many people are accepting it. ये double standards को भी highlight करता है और religion based biases को लेकर एक uncomfortable question भी उठाता है. अब former judges की ऐसी बातें सुनकर ये सब सुन के एक सवाल दिमाग में आता है, अगर judges को भी divine intervention चाहिए तो courts का क्या काम है. Justice Sharma ने भी ये पूछते हुए कहा, If ultimately judges have to turn to God for decisions, then why have courts at all? Why not these contesting parties go to their respective priest? एक साइड से देखने पर लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी पर्सनल फेथ को रिवील किया, पर एक न्यूट्रल जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है. जजेस का प्राइमरी रोल है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को फॉलो करना. एक और इंटरेस्टिंग बात जस्टिस शर्मा ने रेज की कि उन्होंने कहा कि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का एक हेलो होता है, एक रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का ऑरा होता है जो इस तरह की रिवोल्यूशन से हार्म हो सकता है. उन्होंने कहा, इट हैज ब्रॉट डाउन द हेलो अराउंड द सुप्रीम कोर्ट. ये वर्ड्स काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर जुडिशरी के हेड से ही फेथ शेक हो जाए तो जुडिशियल सिस्टम पर कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे. सिर्फ यही नहीं, कुछ महीने पहले ही गणपति पूजा में चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर को अपने रेजिडेंस पर बुलाया था और दोनों की पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हुई थी. ये भी जुडिशरी की न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है. जस्टिस शर्मा को कहते हुए सुना गया, चीफ जस्टिस चंद्रचूक टुक ऑथ ऑफ ऑफिस एज चीफ जस्टिस, देयर वर मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम. वी ऑल फेल्ट दैट ही विल टर्न अ न्यू लीफ इन द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट ही हैज बीन देयर फॉर 2 इयर्स, बट वी हैवंट सीन एनी चेंज. जस्टिस शर्मा ने एक और केस का एग्जांपल दिया जहां चंडीगढ़ में एक इलेक्शन एजेंट ओपनली बैलेट्स को मैनिपुलेट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बस केस डिसमिस कर दिया. जस्टिस शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गॉन बियॉन्ड व्हाट इट डिड, इट शुड हैव इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बीइंग इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम. ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है क्योंकि अगर जुडिशरी इस तरह के केसेस में स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा. जस्टिस शर्मा काफी स्ट्रॉन्गली कंक्लूड करती हैं, फ्रैंकली आई थिंक इट हैज ब्रॉट डाउन द इमेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये रेवलेशन के कंसिक्वेंसेस सिर्फ चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पर नहीं बल्कि जुडिशरी की रेपुटेशन पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं. अगर हम सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को एक फेयर अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते हैं तो ऐसे एक्शंस उस परसेप्शन को अंडरमाइन करते हैं. तो ये एक मेजर क्वेश्चन रेज करता है, क्या जुडिशरी के हेड्स को अपने फेथ और बिलीव्स को साइड में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए. क्या ये नेसेसरी है कि जुडिशरी एक सेक्युलर और इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन बनी रहे. जस्टिस शर्मा की ये इंटरेक्शन एक पॉइंट रेज करती है कि अगर हम जस्टिस और फेयरनेस को अपनी सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जुडिशरी को अपने फेथ और बिलीव्स को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए. ये इंसिडेंट एक और क्वेश्चन भी रेज करता है कि क्या जुडिशरी में और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. जस्टिस शर्मा जैसे वॉइसेस और पब्लिक आउटरीच काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जुडिशरी के फेयर फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं और इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जुडिशरी अपने प्रिंसिपल्स और मैंडेट्स को फॉलो करे बिना किसी बायस या पर्सनल बिलीफ के. सो एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी को अपनी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखना चाहिए और ये हमारी डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पिलर है. व्हाट इज योर से इन दिस, शेयर एंड कीप फॉलोइंग अस.